भ्रष्टाचार के आरोप लगाए रिश्ता। भ्रष्टतम मुख्यमंत्री, इतिहास के पन्नों में ये काले अक्षरों से लिख दिया जाएगा कि उत्तराखंड में एक भ्रष्टतम मुख्यमंत्री थे, जिनके कार्यकाल में पहली बार कोई मुख्यमंत्री सरेआम एक सीडी के ऊपर अपने ही प्रदेश को लुटवाने की बात करते हुए पकड़े गए। मुझे लगता है भ्रष्टाचार अपनी हदें लांग चुका था। पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि जिस तरह से हरदा टैक्स आम था, जिस तरह से इस प्रदेश के अंदर खुलेआम घूसखोरी चरम पर थी, आज कहीं ना कहीं इस प्रदेश की जनता को उस भ्रष्टाचारी सरकार से, दमनकारी सरकार से, लोकतंत्र की हत्यारी सरकार से निजात मिली है। मुझे लगता है कि ऐ वीर सपूतों, उठ बैठो, अब वक्त करीब आ पहुंचा है, अब ताज उछाले जाएंगे, अब तख्त गिराए जाएंगे। इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये दमनकारी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार के पैमानों में डूबी हुई सरकार थी, अब इसका समय समाप्त हो गया है। जनता को निजात मिलेगी और हमें लगता है कि अच्छा वक्त अच्छा समय आने वाला है। सर, आपसे एक सवाल ये भी है कि जो इस बार कुनीतियां, सरकार का भ्रष्टाचार, उत्तराखंड में हो रहे जुल्म, उत्तराखंड में हो रही लूट खसोट का नंगा नाच के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ उत्तराखंड को बचाने और उत्तराखंड को लुटवाने के बीच में चुनाव है। अब मुझे लगता है कि तमाम उत्तराखंडी उत्तराखंड को इस सरकार जो ये कहती हो, जिसका मुखिया कहता हो लूट लो जितना लूटना चाहो, इस प्रदेश को मैं देखूंगा नहीं, ये उसके बनाम चुनाव है। और रही बात केंद्र की, माननीय मोदी जी विकास कर रहे हैं, उनकी नीतियों के ऊपर, उत्तराखंड में जो हमने करके दिखाया है उसके ऊपर ये चुनाव एक लाइन खींचेगा और उस लाइन में कहीं से कहीं तक जो जिस तरह से इस प्रदेश के ऊपर 50,000 करोड़ का कर्जे में से 44,000 का कर्जा कांग्रेस पार्टी ने लिया है, इस प्रदेश को लाचार अपंगु बनाने में इन कांग्रेसियों का योगदान है। उस योगदान को, उस कर्ज को उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है। इस प्रदेश को उसके पैरों पे खड़ा करना हमारी प्राथमिकता होगी। यहाँ वापस जो पलायन नीचे हो गया है, उसे पलायन को वापस ऊपर करना हमारी प्राथमिकता होगी। और हम पॉजिटिव लाइन के साथ, हरीश रावत जी की नेगेटिव लाइन जनता उन्हें सबक सिखाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक पॉजिटिव लाइन के साथ चुनाव मैदान में जाएगी और 2/3 बहुमतों के साथ अपनी जीत दर्ज करेगी। सर, आपसे आखिरी सवाल ये भी है कि रावत जी का मुख्यमंत्री चुनाव लड़ना तय नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो ये तय नहीं है कि सीबीआई उन्हें जेल डालेगी कि बचाएगी। अभी तो यही तय नहीं है, वो छुपे छुपे घूम रहे हैं और वो जो ये ड्रामा कर रहे हैं कि वो 5 तारीख को धरने पे बैठने जा रहे हैं, वो जो धरने पे बैठने का ड्रामा है, वो एनजीटी के खिलाफ जो ट्रिब्यूनल है, जिसे कोर्ट का दर्जा प्राप्त है, उसके खिलाफ वो वहां बैठने की बात कर रहे हैं धरने पे, तो इसका मतलब वो कल को हाई कोर्ट के खिलाफ भी धरने पे बैठेंगे और परसों को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी धरने पे बैठेंगे और फिर सीबीआई कोर्ट के खिलाफ भी धरने पे बैठेंगे। ये एक क्रम है कि सीबीआई के खिलाफ, कोर्ट के खिलाफ जब धरने पे बैठूंगा, किस मुंह से बैठूंगा, उसके लिए एक प्लानिंग चल रही है। मुझे लगता है उन्हें मालूम है कि उनका जेल जाना तय है। जब जेल जाने की तैयारी किसी की होती है तो चुनाव में चेहरा होंगे नहीं होंगे, यह अलग बात होती है। ठीक है सर।